हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो लाइट फिटिंग होती है घर में, हाउस वायरिंग होती है, उनमें क्या क्या सामान लगेगा और किस रेट का आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने रख लिया है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। तो अपन जो मुख्य चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे पहले, सबसे पहले। उसके बाद में जो और लगेगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जो घर में अंडर वायरिंग जो फिटिंग होती है, जो अंडर वायरिंग होती है, अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, उसको कैसे करना है वो तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। उसका जो सामान है वो कितने का आता है और क्या रेट का पड़ता है थोक में, वो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों को, जो पाइप में जो सबसे पहले फिटिंग होती है वो सबसे पहले इसमें झीरी होती है, दीवार में, दीवार में झीरी होती है। फिर इस तरह के जो बोर्ड हैं वो लगते हैं। तो सबसे पहले पाइप आते हैं, पीवीसी पाइप आते हैं, वो लगभग 40 रुपये 50 रुपये के हिसाब से आ जाते हैं। उसके बाद पाइपों के जो बीच बीच में जहाँ से अपन उतारते हैं तो वहाँ पे कुछ बैंड लगते हैं, कई जगह पर बैंड लगते हैं। तो ये बैंड जो है करीब 8 से 10 रुपये का मिल जाता है। और जैसे ही दीवार से आप सीलिंग से थोड़ा नीचे उतारते हैं तो वहाँ पर डिब्बी लगती है। तो ये डिब्बी जो होती है दोस्तों 15-20 रुपये इस हिसाब से मिल जाती है। और फिर ये जो बोर्ड आते हैं, ये जंक्शन बॉक्स जो आते हैं, आजकल यही चलने लगे हैं, इनमें काफ़ी लॉन्ग लाइफ रहती है। लकड़ी के बोर्ड आजकल बहुत ही कम जगह यूज होते हैं, तो ये क्वालिटी के हिसाब से होते हैं दोस्तों। हल्के पतले सब प्रकार के बोर्ड आते हैं। तो जैसे अभी अपने पास थोड़ा सा हैवी बोर्ड है, इनकी पहचान ये है कि जो हैवी बोर्ड हैं वो उनकी पहचान ये होती है कि जो यहाँ पे स्क्रू कसे होते हैं, यहाँ पे वो प्लास्टिक का बकायदा अच्छे से सेफ्टी होके आते हैं, ताकि इसमें कोई जंग ना लगे, कोई खराबी ना हो। क्योंकि सीमेंट होता है उसमें बहुत जंग लगता है, पानी से तराई होती है सब में जंग लगता है। उसके बाद इन्हीं बोर्डों को, जो बोर्ड होते हैं ये 12 मॉडलर के आते हैं, 8 के आते हैं, 6 के आते हैं। तो इस तरह से जैसे 12 मॉडलर में दोस्तों, ये देखिए 12 मॉडलर का बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों। 12 मॉडलर मतलब 12 बटन, जिसमें 12 बटन आ जाती हैं वो 12 मॉडलर कहला जाता है। अब 12 बटनों की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 और ये 5 6। तो 6 की जगह दोस्तों ये अपन ने एक सॉकेट लगा दिया, सॉकेट यदि 5 पिन 3 पिन होती है तो वो 2 मॉडलर के जगह ले लेती है ना। तो ये 12 मॉडलर का है, जैसे 2 4 6 8 10 12, तो ये 12 मॉडलर का बोर्ड हो गया। और एक अपने पास यहाँ लगा हुआ है, ये 8 मॉडलर का है, 2 4 6 8 है। इस तरह से आपको घर में जितने ज़रूरत हो, जितने बटनों की, जितनी सॉकेटों को, इस हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो यदि पहले फिटिंग करने की बात आती है तो ये 12 मॉडलर का बॉक्स है, ये 6 का है, ये 6 का है, ओपन बॉक्स है। तो दोस्तों बात करते हैं रेट की। तो दोस्तों ये आप 12 मॉडलर का अच्छा लेते हैं तो ये करीब 80-90 रुपये का आता है। और ये जो 6 मॉडलर का होता है दोस्तों, ये सब समथिंग 10-10 रुपये 20 रुपये ऐसे कम होते जाते हैं यदि आप कम लेते जाते हैं तो। उसके बाद दोस्तों उतने ही रुपये की लगभग प्लेट आती है इनकी, जितने रुपये का ये मॉडलर बॉक्स आता है। ये मॉडलर बॉक्स जो होता है दोस्तों 80-90 रुपये का आता है 12 मॉडलर का। और इसकी जो प्लेट आती है दोस्तों, यदि आप अच्छी लेंगे, एंकर रोमा की लेंगे, तो वो लगभग 150 रुपये की आएगी। और उससे यदि आप हल्की वाली लेंगे तो वो 100-120 रुपये की मिल जाएंगी। चलिए ये तो हो गई बोर्ड की बात, अब कर लेते हैं कुछ सॉकेटों की बात। तो दोस्तों ये जो है, ये 16 एम्पियर की मेरे पास सॉकेट रखी हुई है, जो जो करीब करीब 100 रुपये या 90 रुपये की आती है। इसी तरह से स्विच रखी हुई है दोस्तों, तो ये स्विच जो है ये 25 एम्पियर की है, 25 एम्पियर की स्विच दोस्तों जो आती है 60 रुपये के आसपास आती है। और जो से मैंने ये बताया कि ये तो 80-90 रुपये की आती है। इस पर जो दोस्तों रेट होता है वो बहुत ही हाई रेट होता है, जैसे कि आप ये रेट देख सकते हैं, यहाँ पे 187 लिखा हुआ है। हालांकि इतना नहीं रहता है, 187 मतलब इसका आप आधा कर सकते हैं, तो आधा मतलब इसका करीब वही हो जाएगा 90-92 रुपये के आसपास है ना। तो ऐसा अभी बैंड तो मैंने दोस्तों, होल्डर आते हैं ये भी एक से डिज़ाइन के बहुत से आते हैं, हल्के डुप्लीकेट। तो आप थोड़ा सा पैसे में ना जाएं, इसको अच्छी चीज़ें लें। ये करीब 30-35 रुपये का अच्छा वाला जो होल्डर है वो आता है मॉडलर में। और ये जो बोर्ड है दोस्तों, ये तो अपन ओपन वायरिंग में यूज़ होते हैं लोकल घरों में। अब इनका जो है ओपन के लिए रह गया है थोड़ा बहुत वोल्टेज के लिए, बाकी आपको अच्छी फिटिंग करनी है, वायरिंग करनी है तो आप इन सामानों का यूज करें दोस्तों। MCB आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, तो जो MCB है ये ज़रूर लगवाएं आप, हेवल्स की, एंकर की, जो भी आपको अच्छी लगे। ज़्यादातर तो जो एक कंपनियाँ होती हैं दोस्तों, ये ऐसे ही कंपनी नहीं कहलाती, इनमें कुछ विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, चाहे वो एंकर हो, हेवल्स हो, या कुछ भी हो।
ये मैंने आपको रेट बता दिए दोस्तों। बाद में रेगुलेटर, दोस्तों रेगुलेटर जो है ये एंकर का रेगुलेटर है, जो करीब करीब 200 सवा 200 रुपये के आसपास आता है। देख लीजिए यहाँ पे एंकर लिखा हुआ है, ये एंकर लिखा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों जो सामान है वो आता है। और अपन को कुछ बता रहे हैं विशेष, जो मोटर वोटर तो खैर बाद में लगेंगे है ना, ये कुछ एलन भी रखें ये भी बाद में लगेंगे। तो और जो सामान होता है जैसे ये 6 एम्पियर की जो सॉकेट है ना, ये करीब आएंगी आपको 30-25-30 रुपए की। और जो जो 2 पिन है, होल्डर हैं, बटन हैं, प्लग्स वगैरह हैं, ये सब उनसे काफ़ी कम रेट में आ जाती हैं, तो आप निश्चिंत रहें है ना। और यदि आपको ज़्यादा फिटिंग नहीं करवानी, ओपन वायरिंग करें, तो आप इस तरीके से जो पीवीसी बोर्ड होते हैं, प्लास्टिक के बोर्ड होते हैं, वो ला के आप रख कर सकते हैं। यदि लकड़ी का नहीं बनाना, तो इस तरीके से कटे कटाया आप बोर्ड आता है उसको आप बना के बढ़िया लगा सकते हैं लॉन्ग सर्विस के लिए। इस पर आपसे कंपनी के एंकर के, सांची के, इस तरीके के जो है डाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको फिटिंग करनी है, और बिना एमसीबी वगैरह के आपको वायरिंग नहीं करनी है, अन्यथा आपकी लाइन कभी भी शॉर्ट होगी तो एक भी वायर काम की नहीं बचेगी है ना। और दोस्तों वायर यूज करना है आपको, वायर जो है दोस्तों आपको कोई कंप्रोमाइज करके नहीं करना है, एक नंबर की वायर यूज करना है। कंपनियां एक से एक हैं, इसलिए लोकल में ना जाएं। जैसे कि मेरे पास यहाँ कुछ लोकल वायर पड़ी हैं जो कि मैं फुटकर बेचने के लिए रखता हूँ, तो आप इन पर ना जाएं। आप अच्छी वायर यूज करें, हेवल्स की यूज करें, एल्यूमिनियम की यूज करें, इस तरीके से आप अच्छी वायरिंग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।